इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आपने क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना, तो वहां पर आप कैसे कर सकते हैं, वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख करिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर है और क्रोम ब्राउजर में हम जो भी विजिट करते हैं या जहां भी जाते हैं, जो भी सर्च करते हैं, उन सब चीज की एक हिस्ट्री जो है वो क्रिएट होती रहती है। तो अगर कोई भी अगर हमारा मोबाइल लेता है, कोई देखता है, तो वो सारी हिस्ट्री चेक कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने क्रोम ब्राउजर की सारी हिस्ट्री को डिलीट करना कोई भी ना देखे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आना है अपने मोबाइल पर, और जहां पर देखिए अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही देखिए अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन ओपन करेंगे, देन देखिए यहां पर आपको सर्च करना है। जो भी देखिए यहां पर आप सर्च करते हैं, तो ये सजेशन में आपको शो करता है आपने क्या सर्च किया है, लेकिन कहां कहां पर आप विजिट करते हैं, आपने क्या क्या देखा है, उसकी भी एक हिस्ट्री बनती रहती है। तो उसे आप कैसे डिलीट करेंगे, उसके लिए देखिए यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको सर्च करना है google.com। चलिए लिखकर इस तरीके से सर्च करेंगे। सो ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो यहां देखिए एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, सेटिंग का ऑप्शन, आप वहां पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। यहां पर देखिए एक सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, आप सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपने जो भी सर्च किया है, जहां जब भी आपने विजिट किया है, जो कुछ भी आपने देखा है, वो देखिए यहां पर आपको विजिट किया इस पर आप देख सकते हैं। आपने जो भी सर्च किया है वो देख सकते हैं, जहां जब आप विजिट करेंगे, ये देखिए विजिट किया मैंने इस पर, जो भी मैंने सर्च किया, जो भी कंटेंट हम सर्च करेंगे, जो भी विजिट करेंगे, देखेंगे, उन सब चीज की यहां पर हिस्ट्री बनती रहती है। इसे आप डिलीट करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसे डिलीट करने के कई सारे तरीके भी यहां पर हैं, देख सकते हैं। जैसे डिलीट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक जो डिलीट है वो 18 महीने में ऑटोमेटिक होगा। आप यहां से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए यहां पर डिलीट पर हम क्लिक करेंगे। डिलीट टुडे, आपने जो भी आज सर्च किया वो अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट टुडे पर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज करना चाहते हैं कि आपकी कौन से तारीख से कौन तारीख के बीच आप डिलीट करना चाहते हैं, वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट ऑल टाइम पर सेलेक्ट करेंगे, तो जितना भी ऑल टाइम है आपने जो कुछ भी यहाँ पर सर्च किया था वो डिलीट कर सकते हैं। नीचे देखिए ऑटो डिलीट पर क्लिक करेंगे, सो आप टाइम सेलेक्ट कर देंगे कि कितने दिन में वो डिलीट होना चाहिए, 18 मंथ या 3 मंथ या फिर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इस तरीके से डिलीट करते हैं, हम ऑटो ऑल पर लगाते हैं। देखिए डिलीट ऑल टाइम पर हम क्लिक करते हैं, जितना जो कुछ भी हमने इमेज सर्च वेबसाइट जो भी मैंने सर्च किया वो सब डिलीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, हम यहां पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने देखिए इस तरीके से आएगा डिलीटिंग नाउ। आपने गूगल सर्च में जो भी सर्च किया वो डिलीट हो जाएगा, आप जो भी सर्च करते हैं वो सब कुछ तुम्हें करना है। यहां पर नीचे डिलीट के आइकन पर हम क्लिक करेंगे, सो देखिए डिलीटेशन कंप्लीट लिख के आएगा, और नीचे देखिए आपको ओके कर देना है। आपने जो कुछ भी सर्च किया वो सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। चलिए एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं। देखिए हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे, देखिए सर्च हिस्ट्री पर हमने फिर से क्लिक कर दिया। सो अभी देखिए नीचे सर्च हिस्ट्री में मेरा कुछ भी नहीं, नो एक्टिविटी दिखा रहा है, जो कुछ मैंने सर्च किया वो सब डिलीट हो चुका है। सो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने जो कुछ भी सर्च में किया था वो सजेशन में शो करेगा, उसे आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। क्लिक करेंगे देन ओके करेंगे, तो ये सजेशन में दिखा रहा है, इस तरीके से इसको आप रिमूव कर देंगे। सो आप पूरी तरीके से अपने क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, अपनी सर्च हिस्ट्री को इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो थी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।